प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता आया है। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी अपनी इस घुमक्कड़ छवि के लिए चर्चित रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब यह जानकारी राज्यसभा में साझा की है कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से प्रत्यक्ष पूंजी निवेश यानी FDI बढ़ा है। राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पीएम मोदी ने अनेक देशों की यात्राएं की। इस दौरान चार्टर्ड उड़ानों, विमानों के रखरखाव और हॉटलाइन सुविधाओं पर कुल 2021 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2021 करोड़ को भी अगर अलग अलग खर्चों में बांटा जाए तो 1583.18 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव में खर्च हुए, 429.25 करोड़ रुपए अब तक चार्टर्ड विमानों की उड़ान पर और कुल 9.11 करोड़ रुपए हॉटलाइन पर खर्च किए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 48 विदेश यात्राएं की हैं, जिनमें कुल 55 देशों का दौरा किया। जनरल वीके सिंह ने बताया कि जिन देशों का पीएम मोदी ने दौरा किया है वह देश भारत में निवेश करने वाले टॉप 10 देशों में है। उन्होंने बताया कि 2011 से 2014 तक जहां अमेरिका का भारत में निवेश 81,883.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, तो वहीं 2014 से 2018 में यह बढ़कर 1,36,077.75 करोड़ मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कुल विदेशी निवेश FDI की बात करें तो यह 2017 तक 43,478.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। साल 2014 में यह 30,930.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।